हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी, द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में वर्किंग ऑफ हार्ट या फिर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट या फिर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के बारे में। और ऑलरेडी मैंने हार्ट के ऊपर चार वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और तीसरा फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो कि भी आप देख रहे हैं, और चौथा समरी ऑफ हार्ट विथ नोट्स, जिसमें मैंने समरी पूरा कवर किया है और नोट्स जो कि वीडियो नंबर 4 है हार्ट का। आपको लिंक में सारे वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा। और आपसे मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखें, फिर स्ट्रक्चर देखें, फिर इसको देखें, तो आपको 99% समझ में आएगा। और आप इसको देखेंगे सिर्फ फंक्शनिंग समझ पाएंगे। और आप चाहते हैं कि आपको वेल ड्राफ्टेड स्टडी मटेरियल मिल जाए, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, तो प्लीज़ आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप आई एम हार्ट लिख कर करें। आपको इधर से PDF में बना हुआ नोट्स व्हाट्सअप के थ्रू भेज दिया जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वर्किंग ऑफ हार्ट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा रफली स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, और ताकि आप फंक्शनिंग को अच्छे से समझ पाओ। और स्ट्रक्चर को तो मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है वीडियो नंबर 2, जिसका लिंक नीचे आपको मिलेगा, पर थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं आप लोगों ने देखा है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखा जाए तो ये आपका ओरिजिनल हार्ट का डायग्राम है। इसमें ना चार छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, चार छोटे छोटे डब्बे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चैम्बर्स। ठीक है, ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं अपर चैम्बर्स, उसको बोलते हैं ऑरिकल्स, और जो नीचे का चैम्बर होता है उस वेंट्रिकल्स उसको बोलते हैं नीचे का जो चैम्बर्स होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स रिसीविंग चैम्बर, वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर। ऑरिकल्स हमेशा रिसीव करता है ब्लड को और वेंट्रिकल पंप करता है। ठीक है, क्यों पंप करता है? क्योंकि आपको बॉडी से, मान लीजिए हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, पूरे बॉडी में पहुंचना है, मान लीजिए आपका ब्रेन में पहुंचना है तुरंत, और आपका पैर में भी पहुंचना है, इसको काफी स्पीड के साथ पंप करना पड़ेगा ताकि हर एक सेल तक ये पहुंच पाए प्रेशर के साथ। और ऑक्सीजनेटेड मीन्स क्या चीज होता है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो। ऑक्सीजनेटेड को हम लोग रेड से डिनोट करते हैं, रेड कलर से, और ब्लू से डिनोट करते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन रियली में ब्लू और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको एकदम डार्क लाइट रेड दिखाई देगा। ठीक है, ब्राइट रेड। और आपको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? डार्क रेड दिखाएगा, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हो। तो ये आगे देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड समझ गए। अब क्या होता है कि हार्ट के ऊपर चार चैम्बर्स हुए, अब ऊपर को ऑरिकल्स, नीचे को वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल को एल ए से डिनोट करते हैं, एल ए से। और जो राइट साइड ऑरिकल होता है उसको राइट ऑरिकल बोलते हैं, डिनोटेड बाई आर ए। सिमिलरली वेंट्रिकल्स जो नीचे होता है, लोअर टू चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को आरवी से डिनोट करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल को एलवी से डिनोट करते हैं। अब चैम्बर्स खत्म हो गया, अब चार ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हार्ट में दो ब्लड वेसल्स ब्लड को लाते हैं और दो क्या करते हैं, पंप करते हैं इसको। तो उन लोग को भी जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पल्मोनरी वेन्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाता है हार्ट में, पल्मोनरी वेन। और आपका सुपीरियर वेना कावा जो होता है, वो भी हार्ट का कौन सा, सॉरी, पल्मोनरी वेन्स जो होता है वो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाता है, लेकिन कौन सा पार्ट में, वो भी लेफ्ट ऑरिकल्स में। उसके बाद ये भी हम जानना चाहेंगे, सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सुपीरियर वेना, सॉरी, वेना कावा के थ्रू क्या करता है आपका, हम लोग का हार्ट में आता है, हार्ट का राइट ऑरिकल्स में भी आता है। और सुपीरियर वेना कावा भी दो तरह का होता है, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर नाम से पता चलता है, मतलब ऊपर, सुपीरियर वेना कावा आपका जितना हार्ट के ऊपर का बॉडी पार्ट है, वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको कौन लाएगा हार्ट में, तो सुपीरियर वेना कावा, जैसे कि आपका हेड हो गया, नेक हो गया, यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बच्चों, वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट का राइट ऑरिकल में एंट्री मार देगा। यहां तक समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब और सॉरी, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा का क्या काम रहा, तो इन्फीरियर नाम से फिर से पता चल रहा है, इन्फीरियर नीचे। तो ये इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है कि आपका लेग्स हो गया, ठीक है,
ये सब लोअर बॉडी पार्ट से जैसे लेग्स, यहाँ का जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किससे आएगा, इंफीरियर वेना कावा से। अब कंफ्यूज मत होना, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अरे यहाँ ये दोनों कहाँ पे ले जाता है, हार्ट, हार्ट का कौन सा पार्ट में ले जाएगा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से, तो राइट ऑरिकल्स में ले जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये पीछे अंदर से जाके राइट ऑरिकल्स में ही खुलेगा ये वाला इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा दो तरह का होता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों को मिला के हम लोग कॉमनली जस्ट सिंपली बोलते हैं वेना कावा। अब ये वेना कावा का कंसेप्ट हो गया। अब चलो वेना कावा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आया राइट ऑरिकल्स में। अब क्या होगा कि अब जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल्स में है उसको तो जाना तो भी है हर्ट से फिर लंग्स में पंप का ऑक्सीजनेशन के लिए, तो उसको कौन लेके जाएगा, उस ब्लड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से ले जाएगा लंग्स में, कौन ले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, नाम जरूर याद रखना। उसके बाद हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ये तो आपका हो गया डीऑक्सीजनेटेड का कान, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन्स लेके आया था लेफ्ट ऑरिकल्स में, उसको भी तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको पूरा बॉडी में भेजना है पंपिंग के लिए, पूरा घूमने सर्कुलेशन के लिए, तो उसको कौन पंप करेगा, तो उसको पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और किसके थ्रू, कौन पाइप के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, आउटा के थ्रू, आउटा मेन आर्टरी के थ्रू जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, सबसे पहले देखे हम लोग कि देखिए जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है, राइट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड के साथ डील करता है, जैसा कि आप डायग्राम में कलर से भी देख पाओ। तो हम लोग फिर से समझते हैं, जो राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में था, पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड था, वो क्या किया, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। फिर जो आपका आओटिक, और ये फिर क्या हुआ, आओटा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गया हार्ट से बॉडी में। उसके बाद हम लोग देखे वेना कावा, वेना कावा क्या चीज था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से किसमें लाता है, हार्ट में लाता है, और क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि अभी आया उसको ले जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, तहां वो फिर से ऑक्सीजनेटेड हो पाए। अब ये कहानी था, खत्म हो चुका। अब हम लोग बल्ब्स के सम जान लेते हैं। चलिए बल्ब्स, देखिए आप क्लास 10 में तो नाम याद नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम याद रख लोगे तो कोई भारी काम भी नहीं, आसान होगा समझने में और जानना भी चाहिए। तो चार बल्ब है, नाम तुरंत याद हो जाएगा आपको, अगर दिए पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन इन सब याद है तो तुरंत याद हो जाएगा, नाम तो थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा बल्ब, आओ सबसे पहले देखते हैं पल्मोनरी बल्ब। तो पल्मोनरी बल्ब कहाँ है, चलो देख लेते हैं। तो पल्मोनरी बल्ब जो होता है हम लोग का, वो होता है नाम से ही पता चलता है पल्मोनरी बल्ब, तो कहाँ होगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। देखो ये डॉटेड डॉटेड से पल्मोनरी बल्ब दिख रहे हैं ये, ठीक है। बल्ब क्या चीज होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पट्टी लाइक, या इस टाइप से सोच सकते हो, जो कि क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, पीछे मतलब ब्लड ऐसे जा रहा है तो उसको फिर वापस नहीं फ्लो करने देगा, ठीक है। तो सबसे पहले पल्मोनरी बल्ब प्रेजेंट बिटवीन और पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। उसके बाद चलते हैं आओटिक बल्ब, फिर से नाम से ही पता चल जाता है, आओटिक मतलब आओटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहेगा। देखो पिछले बार राइट किए थे, अब लेफ्ट कर देना, आओटिक बल्ब, लेफ्ट राइट चलना है, ठीक है। आओटिक बल्ब, आओटा लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, अभी आओटिक बल्ब हो गया। अब चलते हैं हम लोग बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, थोड़ा बाइकस्पिड पहले देख लेते हैं। बाइकस्पिड बल्ब को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, वो कहाँ रहता है, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये दिख रहा है, ठीक है। ये इसको लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बल्ब या फिर मिट्रल वाल्व, दो नाम है, बाइकस्पिड क्योंकि इसमें दो कस्प होते हैं, कस्प मीन्स मतलब दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एनिमेशन में आप देख पाओगे, ठीक है। तो उसमें दो कस्प होता है इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। और ट्राइकस्पिड जो बल्ब होता है वो आपका राइट साइड रहता है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो ट्राइकस्पिड बल्ब, ये इसमें तीन कस्प होते हैं इसलिए इसको नाम रखा गया ट्राई, ट्राई मीन थ्री, कस्प मीन्स कस्पिड, तो तीन इसमें बल्ब रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हो, ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लो। उसके बाद यहाँ तक हो गया, अब नाम से आसानी से हो गया, बाइकस्पिड ट्राई पल, नाम से सब याद रहेगा, ठीक है। आओटिक बल्ब है तो बिटवीन, सबसे पहले देखा पल्मोनरी बल्ब कहाँ का, पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। उसके बाद हम लोगों ने देखा आओटिक बल्ब कहाँ का, आओटा और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद बाइकस्पिड, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ट्राइकस्पिड बल्ब राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, कोई दिक्कत। उसके बाद
कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कोई भी सजेशन भी। उसके बाद ये हो गया, अब हम लोग चलते हैं, अब फंक्शनिंग को हम लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हार्ट का, पहले मैंने बता दिया कि लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड से डील करेगा। इसको कैसे याद रखोगे? देख हम तो ऐसे याद रखे हैं कि हम लोग जो अच्छा काम करते हैं राइट हैंड से करते हैं मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ राइट जो होता है ना राइट ने रॉन्ग काम करना है, देखो गंदा खून ला रहा है, और जो लेफ्ट है यहाँ पे वो अच्छा काम कर रहा है। इस टाइप से हम लोगों ने याद किया है, आपका जो मर्जी आप याद रखो, जैसे याद रखना है पर रखो याद। उसके बाद अब हम लोग तो इसको राइट और लेफ्ट को जो पोर्शन होता है उसको डिवाइड करता है, उस वाल को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम ही लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करके रखा है, ठीक है। अब ये हो गया कहानी खत्म, अब हम लोग चलते हैं फंक्शनिंग के ऊपर। तो ध्यान से देखना, फंक्शनिंग को हम दो तीन बार मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं, पहले एक बार वेल सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझेंगे, फिर एक बार हम लोग ओरिजिनल वाला हार्ट से समझेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम से देख लेते हैं, तो टेंशन मत लो आराम से समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि हार्ट से सॉरी लंग्स, लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, अब आप ध्यान से देखना कि ऑक्सीजन लंग्स में चला गया, वहां पे ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का, मतलब एल्वोलाई में ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करता है डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स से निकलता है और किस में चला जाता है, हार्ट में। हार्ट का कौन सा पार्ट में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल्स में। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, अब लेफ्ट ऑरिकल से किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और ध्यान देना ये रेड से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में, ताकि वो पूरा रन कर सके, हर एक सेल टिश्यू को ऑक्सीजन मिल सके, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू और फूड भी वगैरह। उसके बाद बॉडी में क्या होगा, वो पूरा सर्कुलेट करता है, घूमेगा। उसके बाद क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो भी ब्लड में ऑक्सीजन था उसको सेल, हर एक सेल यूज कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो पहले ऑक्सीजन ज्यादा था तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और वही अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा क्या करेगा, राइट ऑरिकल्स में जाएगा। राइट ऑरिकल्स में भी नाम याद मत रखो, राइट ऑरिकल में, बॉडी से राइट ऑरिकल में पहुंचेगा कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद राइट ऑरिकल से फिर वो क्या जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में आया और ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसको ऑक्सीजनेशन का जरूरी है, तो ये क्या होगा, फिर से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, ताकि फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो पाए, ठीक है। तो अब फ्लो आपको याद हो गया, अब एक बार फिर से सेम चीज को देखते हैं, बट अब हम लोग ध्यान देना, अब हम लोग नाम के साथ थोड़ा एडवांस करेंगे। तो फिर से समझते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से निकला, कहाँ गया, हार्ट का लेफ्ट ऑरिकल में, यहाँ तक तो फिर से बता चुके हैं, लेकिन किसके थ्रू जाएगा पर ये भी बताएंगे। तो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में जाएगा, हार्ट का कौन सा पार्ट, लेफ्ट ऑरिकल्स में, और वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। अब पल्मोनरी वेन्स से, अब उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चल जाएगा, बॉडी में जाएगा। पिछले बार भी देखे थे, इस बार देखेंगे नाम सही, किसके थ्रू जाएगा, कौन सा पाइप, तो आउटा के थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू। अब बॉडी में फिर से वो यूज होगा सेल्स के थ्रू, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरे बॉडी से किस में आएगा, हार्ट का राइट ऑरिकल्स में, ऑरिकल्स आओ, ठीक है। उसके बाद किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के थ्रू आएगा। उसके बाद राइट ऑरिकल्स में आ गया, अब वेंट्रिकल्स में, ऑरिकल्स फिर किस में जाएगा, वेंट्रिकल्स में, क्योंकि उसको अगर भेजना है तो वेंट्रिकल्स भेजना है, बी भेजना, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स को कहाँ भेज देगा, लंग्स में भेज देगा, लेकिन किसके थ्रू भेजेगा, तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू भेजेगा। कंफ्यूज मत होना, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। अब ये तो समझ गए, अब इसी चीज को, सेम चीज को हम लोग यहाँ देखना है, ठीक है। अब इधर कॉन्सेंट्रेट हम लोग करते हैं, तो फिर से वही कहानी सब चलने वाला है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेकिन डिटेल में बताएंगे। लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल्स में, ऑरिकल्स आओ, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना भूल गए थे कि ऑरिकल्स में आप देखोगे कि यहाँ से, अच्छा ऑरिकल्स में ब्लड आता है,
फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है और फिर वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाता है। ऐसा क्यों, क्या जरूरी था इतना घूमने का? ऑरिकल्स में आता डायरेक्ट यहाँ से फिर बॉडी में चला जाता, मतलब लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल्स में जाता, लेफ्ट ऑरिकल से डायरेक्ट बॉडी में चला जाता। देखो ऑरिकल्स बताए थे कि रिसीविंग चेम्बर है, ठीक है, वो ब्लड को रिसीव करता है, और थोड़ा इसका वाल जो होता है ऑरिकल का पतला होता है, वेंट्रिकल का थोड़ा वाल मोटा होता है, आप अच्छे से डायग्राम में देखना रियली में। तो क्या होता है कि वेंट्रिकल इसको क्या करता है, पंप करके भेजता है, तुरंत बॉडी में भेज देता है। अगर जो ऑरिकल्स को भेजता है तो धीरे सुस्ते जाता, ठीक है, ये क्या करेगा, तुरंत इंस्टेंट भेजेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग को तुरंत तुरंत चाहिए होता है, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन दो पल ना मिले तो क्या हाल होगा। इसीलिए आउट वेंट्रिकल को पंप करके, वेंट्रिकल पंपिंग चेम्बर होता है, भेजता है वेंट्रिकल, तो इसीलिए इसको पंप करके स्पीड से भेज देता है बॉडी में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे घूम रहा है। इधर भी सिमिलरली है, बॉडी से आया राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल से डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको प्रेशर के साथ भेजना पड़ता है, थोड़ा कम ही प्रेशर रहता है डीओ इधर में ऑरिकल्स में, सॉरी यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से जो लंग्स में जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रेशर चाहिए होता है। उसके बाद वो तो क्या, अब इधर समझते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का लंग्स से कहाँ आएगा, हार्ट में, हार्ट का कौन सा पार्ट, लेफ्ट ऑरिकल्स में, ऑरिकल्स बोलेगा आओ, ठीक है, और किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स। अब ऑरिकल्स में ब्लड आ गया, अब ध्यान से देखना यहाँ पे ब्लड इमेजिन करो कि भर रहा है, अब ब्लड भर रहा है, यहाँ पे कौन सा बल प्रेजेंट है, बाइकस्पिड बल या फिर मिट्रल बल। अब यहाँ पे जैसे ब्लड भरेगा, आप अगर दे टेंथ में डायरेक्ट बल्ब लिखना बाइकस्पिड बल्ब के लिए, अब ब्लड यहाँ भरेगा तो ये क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो बल्ब है खुल जाएगा धीरे धीरे, इससे प्रेशर बढ़ेगा, और ये ब्लड जो था लेफ्ट ऑरिकल से किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल लेकिन पास किससे किया, कौन सा बल्ब से, बाइकस्पिड बल्ब, और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ध्यान से समझना, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे ब्लड भर रहा था तो लेफ्ट ऑरिकल्स में, तो ये खुला क्योंकि प्रेशर बढ़ गया था, अब ये खुला तो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में है, लेकिन जैसे ही यहाँ ब्लड खाली हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, उसके बाद वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब ये बल्ब बंद हो चुका है, तो ये कौन सा बल्ब, एओर्टिक बल्ब है जो कि खुल जाता है ऑटोमेटिकली, अब प्रेशर बढ़ेगा ये बल्ब बंद है, ब्लड को निकालना है तो ये बल्ब खुलेगा, ये दरवाजा, अब ये बल्ब जैसे ही खुलेगा तो एओर्टा के थ्रू क्या होगा, एओर्टा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा घूमने के लिए, है ना, उसके बाद पूरा बॉडी में घूमेगा, पूरा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमेगा घूमेगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हम लोग का वेना काबा के थ्रू फिर से एंट्री मारेगा राइट ऑरिकल्स में। तो वेना काबा भी बताए थे कि सुपीरियर वेना काबा आपका अपर बॉडी पार्ट से, जैसे हेड नेक, वहां का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल्स, सॉरी सुपीरियर वेना काबा के थ्रू आएगा, और आपका लोअर बॉडी पार्ट जैसे कि लेग हो गया, वहां से इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना काबा के थ्रू आएगा, लेकिन दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना काबा कहाँ लाएगा ब्लड को, राइट ऑरिकल्स में लाएगा। अब राइट ऑरिकल्स में फिर से ऑरिकल्स आओ रिसीव करेगा, अब ये जैसे ही रिसीव करेगा तो फिर से यहाँ ब्लड का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये खुलेगा, और ये खुलेगा तो ये कौन सा बल्ब था, ट्राइकस्पिड बल्ब, अब ट्राइकस्पिड बल्ब खुलेगा और ब्लड राइट ऑरिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही ब्लड का प्रेशर यहाँ पे वो बंद हो जाएगा, ये ऑब्वियसली फिर से बंद हो जाएगा, और अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल्स, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिक, पहले से तो बंद हो चुका था, अब ये बल्ब जो यहाँ का दरवाजा है ये खुलेगा ठक ठक आके, ठीक है, अब खुलेगा तो ये कौन सा बल्ब था, तो ये नाम पल्मोनरी बल्ब था, अब टेंथ में बल्ब बोलना खाली, ठीक है, अब बल्ब, अब ये बल्ब खुलेगा तो ये ब्लड कैसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पूरा लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में क्यों जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए, अब आप समझ गए होंगे, अब वहां पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड का, फिर किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल से किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको पंप करके फिर कहाँ भेज देगा, पूरा बॉडी में, किसके थ्रू भेजेगा, आउटा के थ्रू, आउटा से फिर क्या होगा, पूरा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा बॉडी में घूमेगा, फिर घूमने फिरने के बाद थक जाएगा, जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो सुपीरियर वेना काबा, सॉरी वेना काबा के थ्रू राइट ऑरिकल्स में आ जाएगा, अब राइट ऑरिकल्स में आएगा फिर राइट से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर से लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, और ये साइकिल रिपीट होते रहता है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग आर्टरीज और वेन का कंसेप्ट, जैसे कि इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि
कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा पल्मोनरी वेन्स, सॉरी पहले देखिए पल्मोनरी वेन्स क्या करता है कि पल्मोनरी वेन्स वेन्स है तो उसको क्या करना चाहिए था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहाँ क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी है तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए था, बट ये तो बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स को हम लोग समझ लेते हैं। आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरी जो होता है वो क्या करता है कि आपका हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाता है ब्लड, उसको बोलते हैं हम लोग आर्टरीज। ऐसा ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को कैरी करेगा अवे फ्रॉम हार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। और ऐसा ब्लड वेसल जो कि पूरे बॉडी से यानी पूरे ऑर्गन से लंग्स में लेके जाएगा, सॉरी हार्ट में लेके जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। मतलब ऐसा ब्लड वेसल जो कि ब्लड को कैरी करेगा टूवर्ड्स हार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। अब इसी के हिसाब से समझते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा नेमिंग समझ लेते हैं कैसे ये सब का नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसका तो आपके हिसाब से पल्मोनरी वे आर्टरीज होना चाहिए था, वेन क्यों है तो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, उसका जवाब मिलेगा थोड़ा सा देख लें। अब एक चीज़ और भी जानना, अभी तो बता दिए टूवर्ड्स अवे, और लंग्स से जो जुड़ा रहता है उसमें एक पल्मोनरी वर्ड लगाते हैं, पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। तो अब देखो लंग्स से ये पाइप जुड़ा है इसलिए पल्मोनरी लगाए पल्मोनरी, और ये क्या कर रहा है लंग्स, सॉरी लंग्स से हार्ट की तरफ लेके जा रहा है टूवर्ड्स द हार्ट। तो टूवर्ड्स द हार्ट कौन सा ब्लड वेसल कैरी करता है, वेन्स, तो इसको क्या बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। क्लियर है? अब सिमिलरली उसी टाइप से आप समझो कि हार्ट से ये जो पाइप है ये जा रहा है अवे, दूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, पर अवे तो जा रहा है ना हार्ट से। अब जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे आर्टरीज, आर्टरी ना लेके जाता है हार्ट से खून को ब्लड को, अब लेके जा रहा है लेकिन ये लंग से जोड़ा से लगा देते हैं पल्मोनरी आर्ट पल्मोनरी, तो पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। अब ऐसा क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड आर्टरीज तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे वेन्स ऑक्सीजनेटेड करना है, ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। देखो आपके पूरे बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देते हैं। ऐसे डायग्राम में देखो, मान लो एक ऑर्गन है स्टोमक ब्रेन वॉट एवर, ये क्या करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे रहा है, किसको दे रहा है लंग्स को सॉरी हार्ट को। अब ये ऐसा हो गया, लेकिन आपका जो एक एक्सेप्शन है एक लंग्स एक लौता है जो कि उल्टा काम करता है, ठीक इसका उल्टा ऑर्गन बाकी सब ऑर्गन के ठीक उल्टा, ये क्या करता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता है और डीऑक्सीजनेटेड को लेता है। इसमें देखो ऑर्गन है ये क्या कर रहा है ऑक्सीजनेटेड को ले रहा है लेकिन ये डीऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेटेड को दे रहा है, तो ये जो डिफरेंस है इसी के वजह से ये उल्टा काम करता है ना, कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो होता है वो क्या करता है पल्मोनरी वेन्स ये इसको क्या कैरी करना चाहिए था डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये क्या कर रहा है ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है, और पल्मोनरी आर्टरी जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सॉरी ऑक्सीजनेटेड कैरी करना चाहिए था वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है इसी के कारण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन, तो वेट कर, तो चलिए अब डबल सर्कुलेशन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए डबल सर्कुलेशन नाम से ही पता चलता है, डबल मतलब ट्वाइस और सर्कुलेशन मीन सर्कुलेट करेगा दो बार, किससे लेकिन हार्ट से। देखो डबल सर्कुलेशन ह्यूमन विंग्स में होता है, ह्यूमन विंग्स का जो हार्ट होता है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेशन होता है। तो कैसे होता है कि लंग्स से क्या होता है आपका कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया किसमें लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल से चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला गया एक ही बार अभी हार्ट से क्रॉस किया, उसके बाद फिर बॉडी में से गया और फिर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो ये एक साइकिल में आप देखोगे हार्ट से दो बार ब्लड क्रॉस किया, ठीक है एक बार देखो यहाँ से गया ऐसे उसके बाद फिर सॉरी एक ऐसे गया फिर यहाँ से निकल गया ब्लड फिर बॉडी में गया फिर लंग्स में हार्ट में गया फिर हार्ट से तो मतलब लंग्स में चला गया, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट से ब्लड जो है हमारा दो बार पास कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और फीसेस में क्या होता है ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कोई खास सेपरेशन है नहीं। देखिए
उसके बाद यहाँ पे क्या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लेते हैं, फिर से बड़ा आसान है। गिल्स होता है उन लोग के पास, जहाँ कि पानी आता है, पानी से ऑक्सीजन उन लोग ले लेता है मछली लोग। उसके बाद क्या करते हैं कि उस ऑक्सीजन गिल्स में गिल्स से जो भी ब्लड निकले वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बॉडी में पूरा जाएगा, बॉडी में सर्कुलेशन के लिए, रन के लिए। अब बॉडी से फिर वो जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो बॉडी इसको भेज देगा हार्ट में। ये हार्ट है हम लोग का, सिंपल सा मछली का, हम लोग का नहीं। उसके बाद ऑरिकल्स रिसीव करेगा वो, और फिशेस में दो ही चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल। ऑरिकल्स रिसीव करेगा और उसके बाद ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल्स को पंप कर देगा ब्लड को गिल्स में, ताकि उसका क्या हो सके, फिर से ऑक्सीजनेशन। आप इसमें देखो, एक साइकिल में ब्लड जो है हार्ट से कितना बार क्रॉस किया है, एक बार, एक साइकिल में, यहाँ दो बार किया है। इसीलिए फीसेस में सिंगल सर्कुलेशन, ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, हम लोग में चार चैम्बर्स है, ताकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रख पाए। क्योंकि हम लोग को क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, बॉडी टेम्परेचर भी, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है तो हम लोग को बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, इसमें काफ़ी एनर्जी चाहिए होता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कहीं पे भी मिल जाता है, मिक्सिंग होता है, तो फिर ज़्यादा एनर्जी हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो हम लोग इसीलिए देखोगे कि ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट पार्ट डील करता है, डीऑक्सीजनेटेड राइट पार्ट डील करता है, ताकि मिक्सिंग नहीं हो पाए। अब ध्यान देना कि फिशेस में दो चैम्बर होता है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्स होता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में क्या होता है, ऑरिकल्स दो होता है पर वेंट्रिकल एक ही हो जाता है, ठीक है। एक इसको पूरे को हम लोग मान लीजिए वेंट्रिकल्स, उसमें वेंट्रिकल्स एक ही होता है। लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन में आएगा, उसमें फोर चैम्बर होता है, ठीक है। और आप क्लास 10th में, और आपको चाहिए होगा एकदम मस्त वाला स्टडी मटेरियल, ठीक है, वर्किंग का, तो मैं आपको अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 4 समरी विथ नोट्स में, आपको हार्ट का पूरा वर्किंग समझाऊंगा, ह्यूमन हार्ट का, सिर्फ 3 स्टेप्स में, वो भी छोटे छोटे स्टेप्स में। उसको जरूर देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, और फिर से उसमें मैं समझाऊंगा समरी के साथ, ठीक है। तो थैंक यू, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारे वीडियो का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा इससे रिलेटेड।